नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पुलिस के कमिश्नर भीमसेन बस्सी पर भ्रष्टाचार का सनसनीखेज आरोप लगा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिए गए फ्लैट के विवाद में फंसे बस्सी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 1989 में एक फ्लैट खरीदा था जिसे 1998 में 11 लाख रुपए में बेच दिया था। दिल्ली सरकार ने बस्सी के खिलाफ ACB में शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि बस्सी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अमेरिका ने चेन्नई में आई अब तक की सबसे भीषण बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के लिए गहरी संवेदना प्रकट की है। खासकर भारत जैसे मजबूत साझेदार के समक्ष आई इस मानवीय चुनौती से निपटने के लिए मदद मुहैया कराने की पेशकश की गई है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि अमेरिका ऐसे समय में तमिलनाडु स्थित चेन्नई के लोगों और भारत सरकार की मदद करने के लिए तैयार है, जो दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता संभालते ही राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन महज 2 सप्ताह के भीतर प्रतिबंध वापस ले लिया और कहा कि प्रतिबंध तो केवल देसी शराब पर रहेगा। शराब पर प्रतिबंध की वजह से वे महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हुई हैं जिनके घर पर आए दिन शराब की वजह से झगड़े होते हैं। तमाम महिलाओं ने नीतीश कुमार को केवल इसीलिए वोट दिया था क्योंकि उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। वर्ष 1984 के सिख विरोधी हिंसा के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की CBI जांच जारी रहेगी। अकाली दल ने कोर्ट में रेशम सिंह, आलम सिंह और चंचल सिंह आदि नामक गवाहों के नाम देकर जांच कराने की मांग भी की थी। इससे पहले CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि उसे कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इस मामले में 17 नवंबर को तब नया मोड़ आ गया जब CBI ने कोर्ट में फिर से जवाब दाखिल करके कहा कि वो मामले की फिर से जांच करने को तैयार है। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 30 अक्टूबर को CBI और पीड़ितों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।